कोई भी टॉपिक कम से कम 3 बार जरूर पढ़े। कल हम समझाए थे, एक 24 घंटा के अंदर, उसके बाद 7 दिन के अंदर, फिर 21 दिन या 1 महीना के अंदर बताए थे। कोई भी टॉपिक कम से कम कितने बार, 3 बार, अधिक से अधिक तक कितने बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम यानी कम से कम आपको कितना बार पढ़ना है कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन आंसर या कोई भी ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, आपको कम से कम उसको 3 बार जरूर पढ़ना है। मैक्सिमम आप जितना बार पढ़ते तो और बढ़िया है। रटने की प्रवृत्ति से बचे, जो भी पढ़े उस पर विचार मंथन जरूर करें। अभी ये इस बात पर बोले थे, रटना नहीं है कि राम आम खाता, तोता वाला कहानी कहे होंगे कि जंगल जंगल का एक कहानी कितना बार सुना है तुम सबको, शिकारी आएगा जी, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम लोग खाना दाना खाने नहीं जाएंगे। कौन सिखा के गया, जो तोता पाले हुआ था जंगल में ना, एक तोता पाले हुआ था, ऐसे समझा रहे हैं समझो, तो आता था शिकारी या फंसा करके चल जाता था, जाल बिछा करके दाना डाल देता था, वो जाता था खाने, फंस जाता था, तो उसका मालिक क्या किया, समझा के गया, देखो याद करो तू सब, तो तोता जाए, कहा ठीक है याद करवाइए, तो बोलो शिकारी आएगा, तो तोता कहता था शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, हम लोग खाने नहीं जाएंगे, हम लोग खाने नहीं जाएंगे, रटो ये सब, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम लोग खाने नहीं जाएंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम लोग खाने नहीं जाएंगे। तोता बोल रहा है, शिकारी आया तो बड़ा अचंभित हुआ कि ये तो ये सब तो नहीं खाना खाने आएगा लगता है, आज तक हम क्या बेचेंगे मार्केट में, तोता तो हम नहीं बेच पाएंगे, आज हमारे घर में रोटी कैसे बनेगा, खैर छोड़ो अब देखते हैं, कुछ आके फंस जाए कहीं, वो अपना कर्म किया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, जाके कहीं बैठ गया, कोना में बैठ गया, सब तोता आके बैठ के खाने लगा, फंस गया सब। यहाँ पर 2 बात सीखने को मिलती है कि वो उसको रटा दिया गया, समझाया नहीं गया कि बउआ तू फंस जाएगा, बेच देगा, पकड़ के पिंजरा में बंद कर देगा, ये बात सब समझाना चाहिए था कि पिंजरा में फंसा देगा, उसको रटवा दिया तोता को, वो रटने वो समझाना चाहिए, जैसे तुम ही को रटवा देंगे इस पढ़ लो, भैया क्यों पढ़े, जैसे सब कहता कि पढ़ो पढ़ो, क्यों पढ़े हम, सब कहता है कि क्लास 10th में गए हैं ऐसे ऐसे ये टॉपिक को पढ़ना है, अमाशय पढ़ना है, लीवर पढ़ना, क्यों पढ़े हम, क्या फायदा होने वाला है पढ़ करके, क्यों का जवाब मिलेगा तभी तो मजा आएगा, तभी तो समझ आएगा, कोई चैप्टर है तो ये चैप्टर क्यों दिया गया है हमारे सिलेबस में, 10वां में ही क्यों दिया गया है, हम क्यों समझे इस चैप्टर को, क्यों पढ़े, तब वो एग्जाम में पूछेगा इसलिए पढ़ना है, एग्जाम में पूछेगा इसलिए नहीं, कि हमको क्या फायदा होगा, क्यों पढ़े, और जब इस सवाल का जवाब हम आपको बता देंगे ना, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, हम बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए कि क्यों ये चैप्टर 10वां में क्यों दिया गया है और आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, सवाल पूछेगा 10वां में बोर्ड एग्जाम में इसलिए नहीं, आपको पढ़ना क्यों चाहिए जीवन में, इस टॉपिक को इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका जवाब बताएंगे तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, नंबर के लिए नहीं, जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक का, उसका आंसर देंगे तब पढ़ने में मजा आएगा। ठीक उसी तरह से उसके उसको फंसा देगा, पिंजरा में फंसा देगा, उसको ये सब बताना चाहिए उसके मालिक को, ये बात न बता करके उसको रटवा दिया गया, कोई फायदा हुआ नहीं, फंस गया। और शिकारी से क्या सीख मिलती है कि कितनों कुछ हो जाए अपना कर्म करते रहना चाहिए, अगर वो सुन करके चला जाता कहता कि आज नहीं फंसेगा, ऐसा बोल रहा है कि आज हम खाना खाने नहीं जाएंगे, दाना खाने नहीं जाएंगे, आज चल जाता था क्या फंसता। इसी तरह से आपको अपना कर्म करते रहना है हर हाल में, धरती इधर का उधर हो जाए तो भी आपको अपना कर्म यानी पढ़ाई करते रहना है। शिकारी से ये सीख मिलती है कि हमें अपना कर्म करते रहना है, और तोता और तोता के मालिक से ये सीख मिलती है कि हमें रटना नहीं है, समझना है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं।